विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा बासमती चावल की अधिक उपज और गुणवत्ता वाली अनेक किस्में विकसित की गई हैं, जिनका चुनाव स्थान की जलवायु के अनुसार किया जा सकता है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों का ही उपयोग किया जाए। इसके लिए किसान भाई नजदीक के सरकारी कृषि संस्थानों से संपर्क करके विचार विमर्श करके उन्नत बीज खरीद सकते हैं। बीजों की खरीद से पहले जांच परख करके नर्सरी में बासमती धान की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले बीजों का उपचार आवश्यक है। उपचार करने से नर्सरी में रोपी गई पौधों पर जीवाणु और फफूंदी रोगों का प्रकोप नहीं होता। उपचार से पहले एक बड़े टब में पानी भरकर उसमें 160 ग्राम नमक प्रति 10 लीटर की मात्रा की दर से मिला दें। फिर बीजों को धीरे धीरे डालें। इससे हल्के बीज ऊपर तैरते रहेंगे, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाले बीज नीचे बैठ जाएंगे। हल्के बीजों को हटा दें, क्योंकि इनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती। टब की तलहटी में बैठे बीजों को अलग करके साफ पानी में दो बार धोकर उपचारित करें। 10 किलो बीज के उपचार के लिए 10 लीटर पानी, 10 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसको हम डाल के और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 24 घंटे के लिए सोकिंग के लिए छोड़ देंगे। उपचारित बीजों को जमीन पर बिछाए गए बोरों पर फैलाकर लगभग 4 इंच मोटी एक तह बना दें। इस तह को गीले बोरों से ढक दें। इस तरह बीजों का अंकुरण हो जाएगा। नर्सरी में बीजों की बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करके समतल करें और पानी भर के गदवा करें। गदवा करने से जमीन में पानी के रिसाव पर रोक लगती है। बढ़ती पौध को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 2 से 3 किलो यूरिया तथा 1-1 किलो डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश क्यारी में अवश्य डालें। यूरिया की खुराक आधी आधी करके दो बार में दें। नर्सरी में केवल अंकुरित बीजों की बुआई छिटकवा विधि से करें और ये काम शाम को करना चाहिए, जिससे बीजों को तुरंत तीखी धूप का सामना ना करना पड़े। स्वस्थ और बेहतर गुणवत्ता की पौध तैयार करने के लिए न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम बीज की दर से बुआई करनी चाहिए। बीजों की बुआई करते समय क्यारी में पानी का स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच रहना चाहिए। छिटकवा बुआई करते समय ध्यान रहे कि बीजों पर मिट्टी की एक हल्की सी परत बननी चाहिए, जिससे बीजों को पक्षियों तथा सीधी धूप से सुरक्षा मिलती है। बीजों की बुआई के बाद नर्सरी की उचित देखभाल आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पौध होने तक खेत लगातार गीला रहे, जिससे अंकुरण और पौध की बढ़वार के समय नमी की कमी ना हो। नर्सरी की क्यारियों में अक्सर खरपतवारों की समस्या सामने आ जाती है, जो पौध की गुणवत्ता को
प्रभावित करती हैं। यदि खरपतवारों को पहचान कर हाथ से ही निकाल दिया जाए तो बेहतर होता है। नर्सरी से पौध उखाड़ने का काम सही समय पर करना चाहिए। किस्म के अनुसार ये समय बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद तक का हो सकता है। अपनी किस्म के अनुसार सही समय पर वैज्ञानिक की सलाह से तय करें। इसमें देरी करने से पौध की उम्र बढ़। जिससे पौध हरी भरी बनी रहे, मुरझाए नहीं। धान की रोपाई से पहले खेत में हरी खाद के रूप पर्याप्त होता है। बीज की तरह रोपाई से पहले पौध का भी रासायनिक उपचार करना चाहिए। इसके लिए पौध को कार्बन डाइजिम में भिगोकर उपचारित करना चाहिए। इससे बढ़वार अवस्था में कीड़ों का प्रकोप नहीं होता। खेत में रोपाई से पहले खेत में यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश का वैज्ञानिक सलाह के अनुसार उपयोग करना चाहिए। जिंक सल्फेट बाद में अलग से देना चाहिए। उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तैयार खेत में पौध की रोपाई पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर करनी चाहिए। इस तरह एक वर्ग मीटर में 25 पौधे या नहीं है। खाली जगह दिखाई देने पर वहां स्वस्थ पौध की फिर से रोपाई करें। इससे खेत में फसल की सघनता बनी रहती है, जिससे अधिक उपज मिलती है। भारतीय बासमती की गुणवत्ता एवं महक की विश्व में विशेष महत्ता है, जिसे बनाए रखने के लिए हमारे किसानों को धान उगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पिछले सालों में हमारे यहाँ बासमती धान की खुशबू रहती थी, वो अब समय के बाद उससे कम होती जा रही है। देखिए, आपको पता होना चाहिए बासमती हिंदुस्तान में सिर्फ हिमालय की जो फुट हिल्स हैं उस एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, जम्मू, हिमाचल है। आखिर यहीं क्यों होती और दूसरे देशों में क्यों नहीं होती? उसका एक कारण है, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण, यहाँ का पानी। और जब आपकी धान की फसल पकती है, उस पकने का समय, ये सारी चीज़ों से तय होता है कि आपकी बासमती की क्वालिटी कैसी होगी। जी सर, जब कभी भी यदि आप बासमती की खेती कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसकी कटाई नवंबर में होनी चाहिए। तो होता क्या है, बहुत सारे किसान भाई समय से पहले बुवाई कर देते हैं, और समय से पहले जो बुवाई करती हैं उसमें थोड़ी गर्मी में कटती है तो उसमें खुशबू कम आती है। यदि आपको बढ़िया खुशबू चाहिए, खाने में स्वादिष्ट अच्छी वाली बासमती चाहिए जिसका पूरी दुनिया में डंका है, तो आपको जुलाई में उसकी रोपाई करनी है और अक्टूबर के आखिर या नवंबर में काटनी है। बोने के और काटने के समय का विशेष महत्व है। तो सर, ये जुलाई के लिए सभी वैरायटियों के लिए टाइम है या किसी वैरायटी में? हाँ, जैसे उसका टाइम बदल कम ज़्यादा होगा सर? बहुत अच्छी बात कही आपने। पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6,
इस तरह की जो वैरायटी हैं उनको आप जुलाई के प्रथम पखवाड़े में रोपाई करें। पूसा बासमती 1121, बासमती 370, टाइप 3, 386, तरावड़ी, इनको आप जुलाई के द्वितीय पखवाड़े में 15 जुलाई के बाद इनकी रोपाई करें। और पूसा बासमती 1509 की रोपाई 25 जुलाई के आसपास करें, इससे पहले ना करें, 15 जुलाई के बाद करें जी। तो यदि आप ऐसे करेंगे तो आपकी बासमती निश्चित रूप से महकेगी। डॉक्टर साहब, खाद से भी इसकी खुशबू पर कुछ फर्क पड़ता है? आपको ये समझना चाहिए, बासमती ईश्वर ने आपको वरदान के रूप में दी है। ये धान की ऐसी किस्म है जिनमें पानी, खाद, दवाई सब कुछ बहुत कम चाहिए। यदि आप बासमती की खेती कर रहे हैं तो आप हरी खाद लीजिए, गोबर की खाद का प्रयोग कीजिए, फिर आपको किसी रासायनिक खाद को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह से जो धान आपका बासमती बनेगी उसकी क्वालिटी पूरी दुनिया में बहुत अच्छी होगी, इसकी सुगंध पूरी दुनिया में महकेगी जी डॉक्टर, बहुत अच्छी बासमती पैदा होगी। धान के खेत की अच्छी तरह से देखभाल करना जरूरी है। इसमें सिंचाई से लेकर खरपतवार नियंत्रण और कीट एवं रोगों की रोकथाम तथा उपचार शामिल है। रोपाई के बाद 30 से 40 दिनों तक खेत में लगातार 3 से 5 सेंटीमीटर तक पानी लगाकर रखना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी उचित जल स्तर बनाए रखना आवश्यक है। यदि हाथ से खरपतवार निकालना संभव हो तो यही तरीका अपनाएं, अन्यथा रासायनिक दवाओं से खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। इन दवाओं का इस्तेमाल रोपाई के 2-3 दिनों के अंदर कर लें, जिससे खरपतवारों को बढ़ने का मौका ना मिले। यदि दवाएं घोल के रूप में हैं, तो इन्हें शेकर बोतल में डालकर 2-3 इंच खड़े पानी में खेत में एक समान छिड़क दें। बासमती धान की फसल पर कुछ कीड़ों का प्रकोप होता है, परंतु कीटनाशक दवाओं का प्रयोग जितना कम किया जाए उतना बेहतर है। बासमती धान की खेती में समेकित कीट नियंत्रण यानी IPM अपनाने की सलाह दी जाती है और इसके लिए विधियां भी विकसित की गई हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंध जाल एक ऐसी युक्ति है जो बासमती चावल के प्रमुख कीट पीला तना छेदक को नियंत्रित करने का काम करती है। इस कीट के अंडों से निकलने वाली सूडी तने में छेद करके बाली को सुखा देती है, इस तरह उपज को गंभीर नुकसान पहुंचता है। कीट नियंत्रण के लिए पौध की रोपाई के 10 दिनों के बाद 1 हेक्टेयर में 20 जाल लगाने की दर से पूरे खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। इससे निकलने वाली गंध से आकर्षित होकर तना छेदक कीट इसमें फंस जाता है, इस तरह पीला तना छेदक की संख्या नियंत्रित रहती है। बाल सफेद हो रही हैं? हाँ जी। पेड़ा, वो पेड़ा पड़ रहा, ऊपर कुछ ज्यादा बढ़ोतरी पीला पड़ जा रहा है, ठीक है। किस वैरायटी है? हाँ जी, तो आइए हम आपको इसको बताते हैं कि आप अपने खेत में इसका कैसे प्रबंधन करेंगे। ये फेरोमोन ट्रैप है। अच्छा। इसमें एक लीवर लगाया हुआ है जो काले रंग का सेप्टा है। अच्छा। उसमें मादा की गंध होती है। नर समझता है यहाँ मेरी मादा बैठी हुई है।